अपनी 5 सूत्रीय मांगों के साथ प्रदर्शन करते स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों का आज 24वां दिन रहा। इनकी मांगों में महिला सुरक्षा, वेतन विसंगति दूर करना, साथ में पदोन्नति भी शुमार है। आज संघ ने एक रैली के माध्यम से शासन तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की। इस दौरान संघ के सदस्य हाथों में तख्ती लिए नजर आए। हम लोग आज लगातार 24 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं और 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लगातार धरना दे रहे हैं। उसके बावजूद भी शासन प्रशासन बिल्कुल होश में नहीं है और किसी प्रकार की कोई पहल नहीं कर रही है शासन प्रशासन। शासन हमारे स्वास्थ्य संचालक, स्वास्थ्य सचिव का घेराव के लिए हमने यहाँ से निकले हुए हैं और घेराव के लिए हम रैली के माध्यम से पूरा तरह से सप्रेशाला की ओर बढ़ेंगे और हम देखते हैं कि शासन प्रशासन हमको कहाँ तक रोकती है वहाँ तक जाने के लिए। हाँ, अनुमति हमने ली है, उनकी सूचना भी हमने दी थी, मगर हमको शासन प्रशासन की ओर से दबा दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। हमारी मांगे हैं, हमारी पहली मांगे महिला सुरक्षा, दूसरी मांगे हमारी वेतन विसंगति 2006 से जो बनी हुई है, जिसके लिए हमने एक बार 2015 में प्रदर्शन किया है। तीसरा मांग हमारी जो 2015 के दौरान जो हमारे जिला और प्रांत पदाधिकारियों का वेतन रोका गया, उसका आहरण करना। चौथी मांग हमारी जो हमारी पदोन्नति, इसके बारे में हमने लगातार शासन से वार्ता किया है, उसके बाद भी कोई पहल नहीं की गई। इन 5 मांगों को लेकर आज हम यहाँ पे डटे हुए हैं। नारायण नारायण।